भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह इन दिनों अपनी नई नई फिल्मों को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। पवन के इन सारी फिल्मों में अलग अलग हीरोइनें हैं जिनके साथ पवन की केमिस्ट्री देखने के लिए दर्शक भी बेताब हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस साल का अंत होते ही अगले साल की शुरुआत में पवन की दो फिल्में बैक टू बैक रिलीज होंगी, वो भी प्यार के पैगाम वाले दिन यानी वैलेंटाइन डे पर। जी हाँ, इस बार का वैलेंटाइन डे रियल लाइफ में ज्योति के साथ बेशक से पवन मना लें, लेकिन रियल लाइफ में वो आम्रपाली रूबी और काजल राघवानी के साथ अपनी फिल्म के जरिए वैलेंटाइन डे मनाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि वैलेंटाइन डे के मौके पर जहाँ एक तरफ मैंने उनको सजन चुन लिया रिलीज हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम्रपाली के साथ भी पवन की फिल्म शेर सिंह फरवरी में ही रिलीज करने की योजना है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होने वाला है कि किसकी फिल्म को और किसकी केमिस्ट्री को दर्शक सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। आप लोग तो जानते ही होंगे कि सोशल मीडिया पर भी दोनों के बीच जोड़ी के बीच जंग छिड़ी रहती है, क्योंकि एक तरफ जहां आम्रपाली दुबे के साथ पवन सिंह का गाना राते दिया बुता के बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहता है, बहुत हाईएस्ट व्यूज़ पा चुका है, तो वहीं काजल राघवानी के साथ छलकता हमरो जवनिया के चर्चाएँ भी कुछ कम नहीं है। दोनों की जोड़ी से बना एक एक गाना सोशल मीडिया पर खूब सुना जाता है, लेकिन इतने सालों के बाद फिल्में की हैं पवन सिंह ने दोनों हीरोइनों के साथ, तो सिनेमा में कौन पसंद आता है, पवन के साथ काजल या आम्रपाली, इस ये देखने का इंतजार सभी को बेसब्री से रहेगा। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज़ भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट।